पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2। ये गेम अपने साथ काफी सारे सीक्रेट और मिस्ट्रीज को लेकर आई है। चैप्टर 1 के एंड के बाद हम सबके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि क्या हागी वगी अभी जिंदा है, फैक्ट्री में जो एम्प्लॉइज फंसे हुए हैं वो कहां पर है, और पॉपी अब क्या करने वाली है। और जब पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 का ट्रेलर आया तो हमको इंट्रोड्यूस करवाया गया पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 के मेन विलन मॉमी लॉन्ग लेग्स से। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 के सभी सीक्रेट्स और इसकी मेन स्टोरी। आल्सो मैं आपको इसकी एंडिंग भी थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग फटाफट से यार इस वीडियो को लाइक कर देना। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था जिसका सही जवाब देने वाले पहले 5 लोगों को इस वीडियो के एंड में शॉर्ट आउट दिया गया है, तो आप लोग चेक कर लेना। और आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन ये रहा, प्ले टाइम फैक्ट्री की शुरुआत कब हुई थी। और आपके ऑप्शन है ए 1930, बी 1950। तो आप लोग जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन सा सही है, और आप लोगों को मिल सकता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट। तो जल्दी से हम लोग यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 में हमारा प्लेयर पॉपी डॉल को उसके बॉक्स से आजाद करवा देता है, और पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 यहीं से स्टार्ट होती है। जब ये गेम स्टार्ट होती है तो हम लोग उसी रूम के अंदर होते हैं जहाँ पर वो डॉल थी, लेकिन अब वो डॉल यहाँ से गायब हो चुकी थी। और चैप्टर 1 में इसी रूम के अंदर एक और दरवाजा था जो कि ब्लॉक था, वो इस बार खुल चुका था। अब जैसे ही दरवाजे को खोलकर आगे जाते हैं तो हम लोगों को एक रूम मिलता है जिस पर एल्विट लुडविक का नाम लिखा होता है, यानी कि ये उसका रूम या फिर ऑफिस था। लेकिन इस रूम को खोलने के लिए भी एक की लगनी थी जिसको कि हमारा प्लेयर ढूंढ कर लेकर आता है और जल्दी से इस रूम को ओपन करता है। इस रूम को ओपन करने के बाद हमारे प्लेयर को एक VHS टेप और एक नोट मिलता है। उस नोट के अंदर एक्सपेरिमेंट 814 के बारे में कुछ लिखा होता है जो कि पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। VHS टेप के अंदर हमको एल्विट लुडविक की बायोग्राफी बताई जाती है, जिसमें हमको बताया जाता है कि एल्विट लुडविक की फैमिली की डेथ एक हादसे में हो गई थी, जिसके बाद उसने इस फैक्ट्री की शुरुआत की। अब इसी रूम के अंदर एक वेंट होता है जहां से निकलने के बाद हमको पॉपी मिलती है, वही डॉल जो कि उस बॉक्स के अंदर कैद थी जिसको हमने आजाद करवाया था, वो डॉल हमको मिलती है। और उस डॉल को अभी तक हम लोग इवल मानते आ रहे थे। हम लोग ये सोच रहे थे कि अभी तक जो कुछ भी इस फैक्ट्री के अंदर हुआ है वो सब इस डॉल की वजह से हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है क्योंकि यहाँ पर जो डॉल है वो प्लेयर की हेल्प करने की बातें करती है। वो बहुत ही प्यार से बात करती है उस प्लेयर से, और वो कहती है कि वो जानती है कि इस फैक्ट्री से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पर है। वो किसी गेम स्टेशन की बात करती है और प्लेयर को अपने साथ अपने पीछे आने के लिए बोलती है, जिसके बाद प्लेयर उसके पीछे जाता है। और अब यहाँ पर हमारा प्लेयर एक बहुत ही बड़े हॉल के पास पहुँचता है जहाँ पर पॉपी उसको कुछ बताने वाली होती है कि तभी पीछे से एक हाथ आता है और पॉपी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। यह हाथ और किसी का नहीं मॉमी लॉन्ग लेग्स का होता है, जिसके बाद हमारे प्लेयर भी पॉपी के पीछे उसी हॉल के अंदर कूद जाता है। यहाँ से कूदने के बाद हमारे प्लेयर को मॉमी लॉन्ग लेग्स मिलती है जिसने पॉपी को पकड़ रखा था, और वो प्लेयर से कहती है कि अगर उसको इधर से निकलना है तो उसे गेम स्टेशन के 3 गेम्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, और हर एक गेम कंप्लीट करने पे वो उसको कोड देगी, और उस कोड के जरिए जो गेम स्टेशन के अंदर ट्रेन है उसको स्टार्ट करके वो प्लेयर उधर से निकल सकता है। जिसके बाद हमारा प्लेयर उस गेम स्टेशन के अंदर पहुंचता है जहाँ पर हमारे प्लेयर को एक प्री रिकॉर्डेड वॉइस स्टेला ग्रेबर की सुनाई जाती है, जो कि उसको उन गेम्स के बारे में बताती है, जिसमें कि फर्स्ट गेम होता है म्यूजिकल मेमोरी का। अब म्यूजिकल मेमोरी के अंदर कुछ कलर्स एक पैटर्न के अंदर आते थे, उसी पैटर्न के अंदर हमको उनको सिलेक्ट करना होता था। अगर हम गलत सिलेक्ट करते थे तो ऊपर से बोंजो नाम का एक टॉय नीचे की तरफ आता था, और अगर हम सही सिलेक्ट करते थे तो वो जो टॉय है वो ऊपर चला जाता था। मॉमी लॉन्ग लेग्स एक ट्विस्ट डाल देती है कि अगर बोंजो हमारी तरफ नीचे आ गया तो वो हमको पकड़ लेगा और मार डालेगा, जिसके बाद हमारा प्लेयर उस गेम को कंप्लीट करता है। और उसके बाद मॉमी लॉन्ग लेग्स हमको एक कोड दे देती है। अब हमारा प्लेयर आगे बढ़ता है और जाता है सेकंड गेम के लिए। अब जो सेकंड गेम था वो था वैगो वगी। अब इस गेम के अंदर क्या था कि काफी सारे पाइप्स हमारे चारों तरफ थे, और उस पाइप्स के अंदर से हगी वगी निकल के आ रहे थे अलग अलग कलर्स में। अब हमारे पास जो ग्रैब पैक था उससे हमको उन हगी वगी को मारना था, और जिसके बाद वो चले जा रहे थे, और ऐसे करके हमको जल्दी जल्दी उन सभी हगी वगी को मारना था जिसके बाद वो पाइप से बाहर ना आए और अंदर ही चले जाए। इस गेम को भी हमारा प्लेयर बड़े स्मार्ट तरीके से कंप्लीट कर देता है, जिसके बाद मॉमी लॉन्ग लेग्स को एक और कोड देना पड़ता है हमारे प्लेयर को। अब हमारा प्लेयर चला जाता है तीसरी गेम के लिए जो कि थी स्टैचूज। अब इस गेम के रूल्स कुछ ऐसे थे कि हमारे प्लेयर को लाइट ऑफ होने पे ही चलना पड़ेगा। अगर उसने लाइट ऑन होने पर मूव किया तो पीछे से एक बहुत बड़ा टॉय एक मॉन्स्टर पीजे आकर उसको खा जाएगा, जिसके बाद हमारा प्लेयर इस गेम को भी कंप्लीट कर देता है। लेकिन यहाँ पर मॉमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि हमारे प्लेयर ने तीनों गेम कंप्लीट कर दिए थे, और मॉमी लॉन्ग लेग्स कभी नहीं चाहती थी कि हमारा प्लेयर इधर से आजाद हो, यानी कि इस फैक्ट्री से निकले। और वो उसके सामने आकर कहती है कि उसको एक लास्ट टाइम एक और गेम खेलना पड़ेगा जो कि है हाइड एंड सीक का। अब इस गेम के अंदर मॉमी लॉन्ग लेग्स हमारे प्लेयर को मारना चाहती है, तो इसीलिए वो हमारे प्लेयर को भागने के लिए कहती है और 5 तक गिनना स्टार्ट करती है। जल्दी से हमारा प्लेयर उधर से भागता है, और जिसके बाद एक चेस सीन आता है जहां पर मॉमी हमारे प्लेयर के पीछे पड़ जाती है, लेकिन हमारा प्लेयर एक ग्राइंडर को ऑन कर देता है जिसके अंदर मॉमी का हाथ चला जाता है, जिसके बाद वो पूरी तरीके से उस ग्राइंडर के
अंदर पिस जाती है। और तभी इस गेम के अंदर एक और ट्विस्ट आता है, एक मेटल का हैंड बाहर आता है जो कि मोमी के आधे हिस्से को अपने साथ ले जाता है। अब ये हाथ किसका था ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमारा प्लेयर यहाँ से आगे जाता है और वापस से गेम स्टेशन में पहुंचता है, जहाँ के कंट्रोल रूम के अंदर उसको पॉपी मिलती है जो कि उसको तीसरा कॉर्ड दे देती है, जिसके बाद हमारे प्लेयर के पास 3 कॉर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद वो ट्रेन को स्टार्ट कर सकता था। तो वो ऐसा ही करता है, ट्रेन को स्टार्ट करता है और ट्रेन को लेकर चला जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद ये गेम का भी एंड हो जाता है। अब यहाँ पर इस गेम का पूरी तरीके से एंड नहीं हुआ, क्योंकि इसका चैप्टर 3 आना भी बाकी है। लेकिन अब मैं आपको इसके एंडिंग को एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले तो इस पूरी गेम के अंदर पॉपी को फ्रेंडली दिखाया गया है, लेकिन वो सही में फ्रेंडली नहीं है। वो सिर्फ हमारे प्लेयर का यूज करती है ताकि हमारा प्लेयर मोमी लॉन्ग लेग्स को मार सके, क्योंकि एंड में जब वो ट्रेन के अंदर जा रहा होता है तो यहाँ पर पॉपी कंट्रोल रूम में ही सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है। और ट्रेन का लास्ट कॉर्ड भी पॉपी ने ही दिया था, जिसका मतलब ये है कि पॉपी ने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा था। जब हमारा प्लेयर ट्रेन में जा रहा होता है तो यहाँ पर पॉपी कुछ अजीब सी बातें करने लगती है। पॉपी हमारे प्लेयर से कहती है कि वो काफी ज्यादा डर गई थी, उसको लगा था कि वापस से मोमी उसको केज के अंदर बंद कर देगी। और उसके बाद पॉपी ये भी कहती है कि माफ करना, मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दे सकती, जिसके बाद वो ट्रेन के ट्रैक को चेंज कर देती है और यहाँ पर ट्रेन एक दूसरी साइड चली जाती है, जहाँ पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और इस गेम का एंड हो जाता है। यानी कि पॉपी ने ही सब कुछ यहाँ पर किया था। उसके बाद बात करें यहाँ पर उस मेटल के हैंड की, तो वो हैंड है एक्सपेरिमेंट 1006 का। अब ये एक्सपेरिमेंट 1006 क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसी गेम के अंदर एक VHS टेप मिलती है, जहाँ पर एक साइंटिस्ट बताता है एक्सपेरिमेंट 1006 के बारे में। उस टेप के अंदर वो साइंटिस्ट बताता है कि एक्सपेरिमेंट 1006 एक प्रोटोटाइप था और ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल हो गया था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद इस फैक्ट्री के अंदर बहुत कुछ खतरनाक हो गया। सभी टॉयज बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए, यानी कि बहुत ज्यादा खूंखार हो गए इस फैक्ट्री में। इस वीडियो टेप से हमको ये पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट 1006 यानी कि द प्रोटोटाइप ही इस गेम का मेन विलन है, जो कि अभी तक सब कुछ करता आ रहा था और पॉपी पूरी तरीके से उसका साथ देने लग रही थी। लेकिन अब हमको वेट करना पड़ेगा इसके चैप्टर 3 के लिए, क्योंकि चैप्टर 3 में हो सकता है कि यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाए। तो गाइस तब तक हम लोग वेट करते हैं और बात करते हैं आज के शॉर्ट आउट के बारे में। तो आज का शॉर्ट आउट जाता है शीतल, मिस्टर प्रो गेम प्ले, शॉर्ट किलर, IM फ्लोडी, पवन कुमार और राजेश वर्मा को। तो गाइस अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करना। बाकी मैं मिलता हूं यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू गाइस।